भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरुआत से जरूरतमंदों के बीच बना हुआ भोजन का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा नेत्री महालक्ष्मी पलिवार ने भी मोदी आहार वितरण में जरूरतमंदों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया। ये वितरण शहर के नया बाजार में किया गया। हर दिन की भांति सर्वप्रथम महालक्ष्मी पलिवार के द्वारा माता रानी की आरती के साथ किया गया और भूख लगाकर इन भोजन को सभी के बीच वितरित किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री ने कहा कि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, कोई भी भूखा नहीं रहे। नगर कमेटी हर दिन लगभग 350 पैकेट भोजन तैयार करती है और शाम को भूख लगाकर सभी सदस्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन का वितरण करते हैं। कोविड-19 महामारी के वजह से, संक्रमण के वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति आज पूरे देश में है, हमारे प्रदेश में भी है, और यहाँ पर इससे जो गरीब लाचारों को जो भोजन का अभाव हो रहा है, जो रोज़ डेली कमा कर खा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मोदी जी का आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कि वो अपने आस पड़ोस कोई भूखा न रहे, इसके लिए वो देखे और प्रयत्नशील रहे। उसी के तहत आज मधुपुर भाजपा नगर कमेटी की ओर से यहाँ विगत पहले तो 25 अनाजों का वितरण किया जाता था, अब विगत 4 दिनों से रोज़ शाम के टाइम पके अनाज का भी भोजन का भी वितरण किया जा रहा है, जो काबिले बहुत ही प्रशंसनीय है। और भाजपा नगर कमेटी के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं।